हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। तो डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको हीरा मानी के वालिद की डेथ हो गई है, तो उसकी अपडेट्स आपको मैं अवेयर करूँगी। इसे देख रहे हैं तो इसके वालिद, जिसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, सारे जो हैं मदा हीरा मानी को इस तरह देख के बहुत ज़्यादा गमजदा हो गए हैं। लेकिन वो इसके साथ साथ इसकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बुराई भी कर रहे हैं, क्योंकि उन सबको पता था कि इसके वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके बावजूद हीरा मानी जो है वो कमर्शियल जो है वो दे रही थी और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी। उनको ये सारा कुछ पता होने के बावजूद उनको चाहिए था कि जितना भी टाइम हो सके, उनके वालिद का आखिरी टाइम है तो उनको देती, उनको सारी अटेंशन देती, क्योंकि आज जिस मुकाम तक ये पहुँची है सिर्फ़ और सिर्फ इसके पीछे इसके बाप का ही हाथ है। तो इस तरह अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो कमर्शियल दे रही थी सीरम की और मेकअप की, और साथ ही साथ हम देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। हालांकि इसके अब्बू की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, आखिरी वक्त में भी उनके साथ वो नहीं रह पाई। तो इनके जितने भी फ़ैन हैं वो सारे जो हैं इनके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, इनको बुरा भला कह रहे हैं कि इनके फेस पर ज़रा भी आया होता है कि किसी भी तरह की टेंशन, जैसे कि इसके वालिद का इतना सीरियस मसला बना हुआ है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, उनको एडमिट किया हुआ है, उनका बहुत देर से इलाज चल रहा है, कि शायद हीरा मानी को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि वो इतनी जल्दी अपने वालिद को जो है वो खो देगी। यहाँ पे इसने मास्क जो है पूरा अपने फेस पर अप्लाई कर दिया है, लेकिन हीरा मानी के जितने भी फैंस हैं उनको और जितने भी इसके मदा हैं उनको उसकी ये वाली वीडियो पसंद नहीं आई, और वो समझ रहे हैं कि इसको जितनी भी अहमियत देने के वक्त था, ये इसके बाप को अहमियत देने का था टाइम, लेकिन जो इसने नहीं दिया। अब ये सीरम के साथ एक ग्लोइंग जो है फेस उसकी वो कर रही है कि इसको यूज़ करने से आपका फेस ग्लो हो जाएगा, लेकिन हम उसके दर्द को जो है वो नहीं समझ सकते, क्योंकि उसने अपने वालिद को खो दिया है। जो कि एक वालिदैन जो होते हैं वो एक ज़िंदगी का बहुत ही अहम जो हिस्सा होता है, यानी एक छत होती है एक इंसान के सर पर, जो जिसके छिन जाने का जो है कोई भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलें।